तो मेरा ये मानना है कि आपको प्रेरणा लेनी चाहिए भगवान शंकर से, कि जब ये स्थिति आई कि विष पान करना था किसी को, तो सृष्टि को बचाने के लिए विष को उन्होंने अपने गले पर रख लिया, कंठ पर रख लिया, न ऊपर जाने दिया न नीचे आने दिया। जिस दिन हम इस बात का निर्णय ले लेते हैं कि हमें वही कर्तव्य करना है, एक संस्था के मुखिया के रूप में, या अपने समाज के रूप में, या अपने परिवार के रूप में, बड़ा अध्ययन निर्णय लेने का अधिकार है, तो त्याग करने का भी संबल होना चाहिए, उसको मैंने निभाने का पूरा प्रयास किया है। और उसमें मैंने कभी भी समझौता नहीं किया, उसके लिए मैं इसे बता रहा हूं कि हमारे सहकारी समितियों को, सहकारिता में लगे हुए लोगों को ये सोचना होगा और इस रास्ते पे आना होगा। कठिन है लेकिन हो सकता है, ये हमने करके दिखाया है। जब कोई इफ्को की बात करता था तो उन्हें विश्वास नहीं होता था कि सहकारिता में कोई काम हो सकता है। मुझे याद है कि मैं कोई सुझाव देता था तो लोग कहते थे, अरे आप लोग तो क्या सहकारिता वाले हैं, कोऑपरेटिव वाले हैं, खा पी के निकल जाएंगे। उसे हमें गलत सिद्ध करना, और इसको ने वो करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, बहुत छोटी संस्था के रूप में थे, 5 लाख रुपए से शुरू हुआ हमारा सफर। आज दुनिया के उस मुकाम पे है कि कहां 425 करोड़ रुपए की जिसकी की पूंजी लगी हो, और इफ्को का 50,000 करोड़ रुपए का अपना असेट है, उसमें किसी का देनदारी नहीं हमारी, हमने किसी उधार नहीं ले रखा। जो भी हमारा पैसा बाकी है या हमारी बैलेंस शीट में देखते हो कि पैसा हमें मिलने वाला है, वो भारत सरकार को सब्सिडी के रूप में देना है। वो इसके पहले कि मैं और कुछ बातें कहूं, मुझे कुछ एक दो अनाउंसमेंट जरूर करने हैं। एक तो गुरुकुल में आज बहुत सुंदर बच्चों ने अपनी प्रस्तुत की, और मुझे पता लगा कि उनके यहाँ कुछ जो जिस जगह वो रहते हैं उसकी हालत फिर ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम 10 लाख रुपए अनुदान के रूप में। और सारे के सारे बच्चों ने जो यहां बहुत सारे कार्यक्रम किए और उनको जिन्होंने बनाया समाया, और जो अनाउंसमेंट कर रही थी हमारी रूपम जी, तो जो अनाउंसर जो बनाने वाले हैं उनको 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति, और जो कलाकार ने 1,000 रुपए प्रति कलाकार, इंक्लूडिंग जो बच्चे हमारे गुरुकुल के थे उनको मिला करके ये हम देना चाहते हैं। तो मेरी यहाँ जो इसको का ऑफिसर उससे प्रार्थना है कि उन्हें दें, और उसके साथ एक उनको प्रशंसा पत्र भी दें, इसकी मुझे उनसे प्रार्थना है। तो हमने कुछ बातें
हमें जब मैं आप लोगों से मिल रहा था तो कुछ लोगों ने कहा हमारी मेंबरशिप जो है वो खुलनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। तो 50वें वर्ष में हमने निर्णय किया है कि नई समितियां हमारी मेंबर बन सकती हैं। 1,000 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए तक का वो मेंबरशिप अपनी ले सकती है। मुझे ये पता लगा कि कुछ समितियां हैं जो पहले मेंबर थीं और उनका शेयर पूंजी कहां गई वो शायद उनको पता नहीं। लेकिन ऐसा है कि हमारे बायलॉ में एक एक्ट है, एक हमारा प्रोविजन है बायलॉ में है कि आप साल में 100 टन से कम 2 साल बेचते हैं तो आपकी सब सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए वो सोसाइटियां जिन्होंने व्यापार नहीं किया हमारे साथ वो 2 साल नहीं, हमने 5 साल 10 साल घंटा इंतजार किया पर जबकि वो व्यापार नहीं कर पाए तो हमने उनकी सदस्यता समाप्त कर दिया। और उसके पहले हमने बाकायदा अखबारों में उसके बारे में निकाला था, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश किया कि कौन सी सोसाइटी है जो नहीं चल रही है, उसको बात करने की कोशिश की कि आप लोग शुरू कर दीजिए। पर ऐसा नहीं कि उसका आपका पैसा डूब गया है, वो पैसा हमने रखा हुआ है और आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन यदि आप भेजेंगे कि हमारा ये पैसा आपके पास था हमें वापस कर दिया जाए हम आपको वापस कर देंगे, और फिर से आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आप फिर से एप्लीकेशन दीजिए हम आपको फिर से मेंबर बना लेंगे। तो लेकिन कर्तव्य आप करना है और उसमें यह भी है कि आपको 100 टन मिनिमम व्यापार खाद का करना होगा तभी आपकी सदस्यता बनी रहेगी। तो हमारी सोसाइटियां इस बात का ध्यान रखती हैं। एक चीज की और हम घोषणा करना चाहते हैं कि हमने एक ऐसी संस्था के रूप में है, इफ्को एक ऐसी संस्था के रूप में है कि हम टेक्नोलॉजी का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि यदि आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आप इतना पीछे रह जाएंगे कि आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। आज से 40-50 साल पहले जब आदि खाली बैलगाड़ी ही चलता था क्या आप आज चल सकते हैं? नहीं, आप मोटर कार से चलते हैं। आज से 5 साल पहले हवाई जहाज में कोई नहीं चलता था, आज हवाई जहाज में ज्यादा भीड़ है, बस अड्डे पे कम भीड़ है। फोन जो है ऐसा होता था कहीं दूर दराज फोन होता था, मंत्री जी के यहां जाते थे नाम पे पर अधिकतर उसका फोन लेकर के फोन का इस्तेमाल करते थे फोन करने के लिए। आज हर एक के पास टेलीफोन है, टेक्नोलॉजी से आया ना। तो ऐसे टेक्नोलॉजी है। और हमारे यहां सहकारिता में टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे रह गए। पिछले 5 सालों से मैं बात कहते आ रहा हूं और हमने इफ्को में आज से 25 साल पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आज हमारे इफ्को में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां कागज का इस्तेमाल हो, अधिकतर चीज हमारी टेक्नोलॉजी होती कंप्यूटर में। कोई भी ऐसा हमारा एम्प्लॉय नहीं है जिसको कोई दस्तखत करना होता है, कोई अर्जी देनी होती, वो अपने कंप्यूटर में जाता है और अपना सब कुछ तय करता है। हमारे यहां जिस दिन हमारी एजीएम होती है 11 बजे एजीएम की शुरुआत होती है, 12:15 बजे तक एजेंडा आप लोग अप्रूव कर देते हैं और 12:30 बजे लोगों के पास डिविडेंड इमीडिएटली आप लोगों को बैंक के माध्यम से मिल जाता है। ये टेक्नोलॉजी का है। तो इसमें 21st सेंचुरी जो है
ये स्पीड है इसमें, इसमें गति है, इसमें संवाद है। क्या आप एक बटन दबाते हो, करोड़ों करोड़ों लोगों के पास आपका संवाद पहुंचता है, आपकी बात पहुंचती है। आपको एक गलत काम आपने कर दिया, सेकंड में मिनट में पूरे देश में पूरे विदेश में पूरे संसार में उसी खबर हो जाती। ये संवाद है, ये टेक्नोलॉजी है। और हम कोऑपरेटिव में अभी भी अपनी अपनी फाइल को, अपने दफ्तर को, अपने नंबर को अपने बगल में दबा के चलेंगे तो कोऑपरेटिव नहीं चलेगी। इसके लिए भी जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और हमने बीड़ा उठाया है, इफ्को ने बीड़ा उठाया है कि हम अपने 50वें वर्ष में अपने हर मेंबर को, उसके हर मेंबर को, हम मैंने अपने और अपनी सोसाइटी के और उसके मेंबर को भारतीय सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ेंगे। पटना मेरा 40वां पड़ाव है, 39 पड़ाव, 39 जगह हम आ चुके हैं देश भर में, अभी 85 जगह और जाना है। और 39 जगहों में हमने हर एक से टेलीफोन नंबर लिया और उनको जोड़ना शुरू किया। और आज भी जो आप लोग आए हैं, जिन जिनों ने टेलीफोन नंबर दिया है, वो सब उस प्लेटफॉर्म पे उस टेलीफोन नंबर से जोड़े जाएंगे। और आप कहेंगे टेलीफोन नंबर के बाद क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं क्या डिजिटल का मतलब क्या है। मेरा नाम उदय शंकर अवस्थी, ये मेरा नाम है, पर कंप्यूटर की भाषा में मेरा एक नंबर है, मोबाइल नंबर मेरी डिजिटल आइडेंटिटी हो गई। और बाप दादों का नाम जो होता था वो आधार हो गया, ये मोबाइल नंबर के साथ आपका आधार नंबर भी हो गया तो आप जुड़ गए। उसके बाद अब देश के हमारी 36,000 सोसाइटियां हैं, 50,000 सोसाइटी होने वाली है अगले साल तक, 50,000 सोसाइटी, 4 करोड़ आदमी जुड़ गए उससे। अब आपने कहा था हमें मधुबनी पेंटिंग बेचनी, आपने उसमें डाल दिया मधुबनी पेंटिंग। और ये जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसमें भाषा का कोई विरोधाभास नहीं है, और उसमें बहुत सिंपल तरीके से आता है, बहुत आसान तरीका है। इफ्को बाजार 0.0 लगाइए IN इंडिया मतलब, इफ्को आपको याद रहेगा, आपकी संस्था है, बाजार आपको याद रहेगा, अक्सर हम लोग बाजार जाते हैं, ये याद रहेगा .. और इंडिया जाएगा IN। और मान लिया नंबर आप भूल गए, आप नाम भी भूल गए, तो इतना याद रखिए 3 नवंबर 1967 में इफ्को का जन्म हुआ था, तो 311-1967.IN टाइप करते साथ ही आप इफ्को बाजार में गए और वहां सबसे पहले खुला भारतीय सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैंने इसलिए इसका नाम रखा है भारतीय सहकारी कि मैं नहीं चाहता हूं पैसा इसको खर्च करेंगे, सारा सारा पैसा हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें सहकारिता में सबको जोड़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं खाली इसको, हमारी क्रिप्टो है, विस्कोमान है, LCY है, जो भी संस्था है, देश की जितनी भी सहकारी संस्थाएं सब इसमें जुड़े। और तब जो सहकारिता का एक आवाज निकल के आए,
वो आवाज में आप लोगों को हम ट्रेनिंग दे देंगे इसमें। मुझसे लोग कह रहे थे हमें ट्रेनिंग नहीं होती, हमें पता नहीं होता हमारा आपकी क्या प्रोडक्ट है, उनको कैसे बेचना है। उसमें ट्रेनिंग भी होगी, उसमें डिजिटल के लिए भी ट्रेनिंग होगी, उसमें कैशलेस व्यवस्था की भी ट्रेनिंग होगी, आपके उससे सुझाव भी आएंगे, आपके उसमें हमारे लिए मार्गदर्शन भी आएंगे, आपके हो सकता है कुछ शिकायतें भी आए, लेकिन शिकायतें करिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा। हमारे यहाँ सबसे खराब आदत यह हमारी कि हम शिकायत पहले करते हैं, काम बाद को होने देते हैं। किसी को साल डेढ़ साल का समय दीजिए, इसको ठीक कर दे। ठीक हो तो होगा, शुरुआत हो गई है, 29 जगहों से लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, साउथ के सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। मैं साउथ में हर जगह कार से गया था, और बिहार में भी कार से जा रहा हूं सब जगह। तो सबको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि अरुणाचल से लेकर के कच्छ तक और अंडमान से लेकर लेह तक कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां कि हम उसको नहीं ज्वाइन करेंगे। उसमें आप व्यापार कर सकते हैं, उसमें आपको सारी सारी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी, एक दूसरे के बारे में पता रहेगा। अभी ऐसे आज कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा उसमें अपलोड हो जाएगा, और उसमें इस कार्यक्रम के बारे में कंप्लीट आप जान सकते हैं। उसके पहले जो 29 कार्यक्रम जहाँ होते हैं वो भी आ सकते हैं। और मैंने कहा भाषा का इसलिए नहीं है, उसको जैसे आप दबाएंगे, ये जैसे प्लेटफॉर्म आएगा उसमें सबसे पहले आ जाएगी भाषा। आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी दबा दीजिए, आप तमिलियन हैं तमिल भाषी है तो आप तमिल दबा दीजिए। तो इस तरह हर भाषा को उसमें, और भाषा के द्वारा मान ली आपकी हिंदी भाषी किसी तमिल के आदमी ने आपसे कुछ खरीदना है और उसको आपकी हिंदी समझ नहीं आ रही है, तो उसी में ट्रांसलेशन की भी व्यवस्था है। अभी तक जो भाषा के रूप में ट्रांसलेशन होता है वो करीब 70-80% करेक्ट होता है, पर ज्यादा शब्द नहीं लिखे होंगे, छोटे शब्द लिखे होंगे तो तुरंत ही समझ में आ जाए क्या है भाई, ये मधुबनी की पेंटिंग बेचना चाहते हैं, उसका दाम मान लीजिए 30,000 रुपया है, वो कह सकता है भाई मैं आपको 25,000 दे सकता हूँ। वो तमिल में बोल लिखेंगे, आपका हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा और आप उसको अपना व्यापार कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा इसमें प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रयास है, और इसमें काफी पैसा लगेगा, मुझे पता है पैसा लगेगा, लेकिन अच्छे काम में कभी पैसा लगाया जाए तो उसमें कमी नहीं रहती, और मुझे पूरा विश्वास इसमें भी कमी नहीं रहेगी, लेकिन इसे हमें आप लोगों का इसमें पूरा समर्थन चाहिए कि आप लोग एक अपना नंबर बदलते हैं, फोन नंबर तुरंत उसमें बताइए कि भाई मेरा ये नंबर था अब ये नंबर हो गया, तो नंबर डिलीट करके आपका नया नंबर आ जाएगा। फिर आपके पास मान लिया आपने आधार को नहीं दिया तो आधार को भी देने का प्रयास करिए, मेरा ये आधार नंबर है। तो आधार नंबर से डायरेक्ट ट्रांसफर जो हो जाते हैं बहुत सारी चीजें, मान लीजिए आपको पैसा मिलना है तो उसको आपको चेक भेजे तो आधार नंबर हुआ, आपको फोन नंबर हुआ तो आपसे डायरेक्टली बैंक में भेज सकता है, तो कैशलेस की ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगी, तो आपके पैसे खराब नहीं है। तो इस व्यवस्था को हम लागू कर चुके हैं, इसका हमारा टोल फ्री नंबर भी बताया है योगेंद्र जी ने, और हमने ईमेल नंबर भी आपको बताया है। तो इसमें आपकी तरफ से हमें ये सहयोग चाहिए कि अपना फोन नंबर अपना आधार नंबर दोनों दे सकें, ताकि ये व्यवस्था से हमको किसी की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, हमें उनके काम से क्या लेना देना, हमें अपना काम करना है, अपने रास्ते चलना है, अपनी तरफ ध्यान देना है, अपनी हालत ठीक करनी है। हमारी हालत ठीक करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, बाहर
हमारे किसान की हालत ठीक करने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। हम ही जो हमारा मेंबर है, हम ही उसको कुछ कर सकते हैं, वही हमारा कुछ कर सकता है। किसी दूसरे की तरफ देखना है तो हम, पता नहीं आपके बिहार में क्या है, उत्तर प्रदेश हम कहते हैं स्वाति के, जैसे स्वात नसत में एक बूंद पानी के लिए पपिया हर समय पिया पिया करता रहता है, वैसे आप करते रहो कोई आएगा नहीं मदद करने। या लिख लो, सब कहने की बात है, लेकिन हमें अपनी मदद खुद करनी होगी, हमें अपने ऊपर खुद खड़ा होना होगा। और हमें ये जो लोग बीच में आकर के आपकी इस चीज का फायदा उठाते हैं, वो इस चीज का फायदा डिजिटल व्यवस्था से हट जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और हमें इसमें, हम इसमें हमने कदम लिया है, हमने इसमें अपने जीवन का एक, हमारा एक बहुत बड़ा एक प्रयास था, और इसी प्रयास के तहत हम पूरे देश भर में 125 जगह जा रहे हैं 50वें वर्ष में। और मुझे आप लोगों के प्यार और सहयोग से पूरा विश्वास है कि इसमें हम सफल होंगे। दूसरा एक काम हम और करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हमें आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए, तो बहुत बड़ा काम है। और पहले हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करने जा रहे हैं। कल हमने इसके बारे में थोड़ा बताया था शाम को कि हमने कल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, और 15 फरवरी को वो फॉर्मली लॉन्च होगा, उसे लॉन्च किया जाएगा कार्ड को, कि हम इसको क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा इफ्को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में है, वो उसमें 2500 रुपए का की ओवरड्राफ्ट की सुविधा रहेगी। जो एक कार्ड हमारी सोसाइटी के मेंबरों को दिया जा सकता है, और वो क्रेडिट कार्ड में जो 2500 रुपए की सुविधा है, उससे वो इफ्को के कोई भी चीजें खरीद सकता है, खाद है, बीज है, दवाई है, इंश्योरेंस है, कोई भी ऐसी चीजें खरीद सकते हैं, और इसमें एक महीने तक का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त एक महीने तक आप उसकी क्रेडिट की ले सकते हैं। और कल मैंने गलत बता दिया था, 10%, उसमें 8.8% ब्याज लगेगा। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बैंक से और बात कर रहे हैं कि इसमें और कमी आ सके। कल जैसे आरबीआई की नई पॉलिसी आएगी, हो सकता है कि और इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में आपको किस्त देनी होगी, और पांचवें महीने में तथा 6 महीने के अंदर ये पैसा वापस करना होगा। और जब जब जैसे जैसे आप वापस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी वही लिमिट बढ़ती जाएगी। मतलब मान लिया आपने 2500 का सामान खरीदा और एक महीने में आप 500 रुपए वापस कर दिए, तो 500 रुपए फिर से आपके यहाँ आपके कार्ड में वापस आ जाएंगे। तो ये सुविधा हम कोशिश कर रहे हैं अपने किसानों को देने की, ताकि वे उन लोगों के चंगुल से मुक्त हों जो बुआई के समय आपका, आपको ज्यादा कोई 2% कहीं पर महीने के हिसाब से आपसे ब्याज देता है, कोई 3% के हिसाब से ब्याज देता है। तो ये जो आपका जो शोषण इस तरह से हो रहा है, तो शोषण आप करना हो, इसके लिए भी हम नई व्यवस्था एक्सपेरिमेंटल रूप में 15 फरवरी को एक कार्ड लॉन्च होगा। और ऑलरेडी हमने एग्रीमेंट कर लिया है, या आप लोग हमारी बात समझे कि नहीं समझे, समझे? अच्छा, ऐसा है, हमको लगा कि आप लोगों को चेहरे पे कुछ दिखा नहीं, हमें लगा आप समझे नहीं। तो ऐसा है कि भोजपुरी में आज ना समझाइए, भोजपुरी में आइए।
सुनील जा भोजपुरी में आपको बताएंगे, हमारा हिंदी लगता है आपको समझ में कम आएगा। आइए। अरे ये कहा था रहूं कि ये तू लोग के क्रेडिट कार्ड जो मिल क्रेडिट कार्ड की वो देख ले बार नौकरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो ये क्रेडिट कार्ड देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कोलैबोरेशन में, उसमें इफको बॉब कार्ड करके कुछ लिखा हुआ होगा, उसमें 2500 तक का ओवरड्राफ्टिंग रहेगा। अगर आपके अकाउंट में अगर 2500 रुपया नहीं रहेगा, अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 कुछ रुपया नहीं रहा तो 2500 तक का आप दवा खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, और उसमें से अगर आप 1000 रुपया पुनः लौटा दे बनो तो फिर वो 1000 रुपया तार अकाउंट में चल जाए, यही बताओ चाहता है। आप समझ गए ना? हाँ ठीक है। हाँ, एक महीना से ज्यादा करिएगा तो ओकरा में ब्याजो लागे लागे, जो महाजन के तरफ ब्याज लागे ला वो भी ब्याज भी लागे लागे, 8.8% ओकरा पर तारा पर ब्याज लागे, तो ओकरा सीमित टाइम में अगर तू दे दे बनो तो तारा कोई प्रॉब्लम ना हो। लो साहब हो नहीं है ऐसा है, हाँ इसे 2500 है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं ना। मान लो सभी लोग निकल गए तो क्या करेंगे? तो हम लोग सरकार थोड़े ना कि नोट छाप देंगे, हैं आप समझ आए ना आपको? तो हम काम ऐसा करते हैं ना कि धीमे 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 बढ़ा जाए, इतनी चादर है उतने पैर फैलाते हैं ना, चादर के बाहर नहीं फैलाते, चादर के बाहर फैला दिया तो क्या? तो ऐसा काम हमने नहीं करना है, हमने वो काम करना है जो कि एक रास्ता दिखा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए सरकारें, हो सकता है कि जब हमने आज से 16 साल पहले सरकार द्वारा बीमा योजना शुरू की तो एक बड़े भारी अधिकारी ने हमसे, बहुत बड़े अधिकारी थे, मतलब कि हम लोगों की आपकी सीमा के बाहर वाले, कहने लगे कि आप ये कैसे कर सकते हो, आप उसका अधिकार नहीं है। और उस समय हमारे पास जो है सरकार की पूरी भी थी, उनका पूरा हक था हमारे ऊपर। आप लोग जाइए नहीं इधर, सुन लीजिए ध्यान से, बैठ जाइए भाई, वहीं बैठ जाइए, डिस्टर्बेंस मत करिए, बैठ जाइए, सुनिए बैठिए उधर। तो हमने कहा कि भाई, भाई तो नहीं कर सकते थे, हमने उसे कहा सर तो सर न करिए तो वैसे ही सर काट देगा। लेकिन हमने कहा सर देखिए ये हमारा पैसा, ये हमारे मेंबर, ये हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव में लिखा हुआ है कि मेंबर के हम काम आएंगे और मेंबर हमारे काम आएगा, तो जो हमारा किसान है वो हमारा मेंबर है, उसका पैसा भी हमारे लगा हुआ है, ठीक होता नहीं लगा है जितना आपका लगा है, तो उसकी सेवा करना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। तो इसलिए मैं उसको इंश्योरेंस देता हूं और उसका मैं प्रीमियम देता हूं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको तकलीफ होनी चाहिए। यदि आपको तकलीफ है तो आप मुझे लिख के डायरेक्शन इशू करो। आप किसान के खिलाफ किसकी लिखने की हिम्मत नहीं लिख पाए तो इंश्योरेंस शुरू हो गया, 1 लाख रुपए तक का उसमें हो गया। तो जब ये मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने 2 लाख का इंश्योरेंस 12 रुपए महीने 12 रुपए साल के हिसाब से, उसी से जो मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई थी उनके चुनाव के बाद 24 दिसंबर 1914 को, एक बार मेरी उससे भी मुलाकात होगी, उन्होंने पूछा मुझे उसके बारे में कि आपके संकरण बीमा क्या है, मैंने उनको बताया, बोले हम भी ये सोच रहे।
तो इसके जो ये कार्ड में दे रहा हूं, ये हो सकता है शुरुआत हो कुछ साल का, कुछ महीने बाद हो सकता है सरकारें भी ऐसे कार्ड लेके आ जाए, जो किसान क्रेडिट कार्ड होता सरकार ही कह दे कि हम इसमें आपको 5,000 रुपया का दे देते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी जनधन अकाउंट में किया है 5,000 रुपए को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो होता है कि खाद बीज दवाई और उसमें हो सकता है कुछ और ऐड करें भाई पढ़ाई के लिए, तो ऐसा करके किसानों को ऋण से मुक्त कराने का एक अच्छा तरीका है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार नहीं है कि हम बड़ी भारी लायबिलिटी ले लें, हम तो उतनी बड़ी लायबिलिटी ले सकते हैं ना जो हमारी सीमा के अंदर हो, तो इसलिए हम उसी हिसाब से ये काम करते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इफ्को के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता आपसे, ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम केमिकल फर्टिलाइजर बनाने वाली संस्था, लेकिन हम उसके अंधाधुंध प्रयोग के खिलाफ हैं। हमारा यही कर्तव्य है अपने किसानों को अपने मेंबरों के बताना कि आप जो यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो वो जमीन को बहुत खराब करता है, ज्यादा इस्तेमाल। कुछ लोग कहते हैं साहब खाली गोबर की खाद करिए, केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर दिए, वो संभव नहीं है। जिस दिन वो हुआ उस दिन हमारा खाद्यान्न उत्पादन खाली 50 मिलियन टन रह जाएगा, वो भी ठीक नहीं। लेकिन खाली यूरिया का इस्तेमाल करना वो भी ठीक नहीं, या यूरिया और डीएपी का ज्यादा इस्तेमाल करना वो भी ठीक नहीं। तो जो हमारी जमीन है इतने साल बाद वो ऐसी हो गई है, और आप लोगों ने इसको देखा होगा कि आप ज्यादा आपको खाद डालनी पड़ रही है, जहां एक बोरा डालते थे आपको 2 बोरा डालनी पड़ रही है, जहां 2 डालते थे 3 डालनी पड़ रही है, जिनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है वो 4-5 लाके डाल देते हैं, वो समझते हैं जितना पैसा उतना खाद भी डाल दो पैसा, तो वो भी ठीक।